जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। ORP 2 यानी कि वन रैंक वन पेंशन रिवीजन। पेंशन रिवीजन के संबंध में लेटेस्ट खबर निकल के आ रही, और ये जो न्यूज है द इकोनॉमिक टाइम्स, जो कि अंग्रेजी का एक प्रतिष्ठित अखबार है, उसकी तरफ से निकाली गई है। तो पूरी खबर जानते हैं विस्तार से। उससे पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, भूतपूर्व सैनिकों के वेलफेयर, जॉब, ORP वन रैंक वन पेंशन या फिर ECHS अपडेट्स, जो भी समाचार हैं वेलफेयर हैं उससे रिलेटेड हर जानकारी के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। बगल में छोटी घंटी होगी, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर अपडेट की वीडियो की अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती है, चाहे ORP की अपडेट हो चाहे अन्य अपडेट हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे द टाइम्स ऑफ द इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है, और ये जो खबर है 22 जून 2022 की खबर है। हालांकि मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। ORP पर नज़रें, केंद्र रक्षा पेंशन भोगियों के लिए बकाया राशि को रोल आउट करने पर विचार कर रहा है, यानी कि देने पर विचार कर रहा है। इसमें आगे जो कहा गया है कि रक्षा पेंशन भोगियों को 2000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया मिलना तय है, क्योंकि सरकार 2019 से सभी पैमानों को संशोधित करेगी, जिसका संवितरण आने वाले सप्ताह में होने की संभावना है। पिछले 3 वर्षों से संशोधन को रोक दिया गया था, यानी कि 2019 से, क्योंकि पूर्व सैनिकों के एक समूह ने ORP नीति में बदलाव की मांग करते हुए सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में ले गए थे। आगे इसमें जो कहा गया दोस्तों कि नई दिल्ली से खबर है कि मामले में वाकिफ लोगों के मुताबिक सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए वन रैंक वन पेंशन नीति के तहत एरियर को रोल आउट करने की तैयारी कर रही है, यानी कि सरकार देने की तैयारी कर रही है ORP का जो एरियर है और पेंशन है। आगे इसमें कहा गया है कि रक्षा पेंशन भोगियों को 2000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया मिलना तय है, क्योंकि सरकार 2019 से सभी पैमानों को संशोधित करेगी, जिसका संवितरण आने वाले सप्ताहों में होने की संभावना है। पिछले 3 वर्षों से संशोधन को रोक दिया गया था, क्योंकि पूर्व सैनिकों के एक समूह ने ORP नीति में बदलाव की मांग करते हुए सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में ले गए थे। मार्च में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव के लिए अपील को खारिज कर दिया और सरकार के इस विचार को बरकरार रखा कि याचिकाकर्ताओं की वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग के खिलाफ सभी पेंशन स्केल को 5 साल के लिए 5 साल में एक बार संशोधित किया जाना चाहिए। ठोस प्रगति की गई है और बकाया राशि को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए संवितरण के लिए अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया की जा रही है। लोगों ने पहले उद्धत किया, एक आधिकारिक घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है। तो ये था ORP के बारे में, और यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी लिखी गई है कि जो 2000 रुपये हैं सरकार की तरफ से, जल्द ही वन रैंक वन पेंशन का जो एरियर है और जो पेंशन है उसके संबंध में जल्द ही रोल आउट की जाएंगी, इसके संबंध में घोषणा की जा सकती है, ऐसा इस न्यूज़पेपर के माध्यम से कहा गया है। द टाइम्स ऑफ द इकोनॉमिक्स टाइम की खबर है और 22 जून 2022 की खबर है, आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों ORP 2 रिवीजन और ORP 2 के संबंध में जो एरियर वगैरह मिलना है या उसके संबंध में सरकार के द्वारा क्या इसमें प्रोग्रेस किए जा रहे हैं। ये खबर थी द इकोनॉमिक्स टाइम की तरफ से।